ओके, नाउ वी डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सिमिलर ही है, अच्छा सा डिस्कशन है। अगर आपको कभी भी कोई चार्ज कंडक्टर दिया जाए, चार्ज कंडक्टर, तो अगर आप उसकी सरफेस के नियर बाय पॉइंट्स के लिए बात करोगे या उसकी सरफेस के पॉइंट्स की बात करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ओके, तो एक बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है, एडिंग सिंपल से, एट सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट स्टैटिक कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस एट ईच पॉइंट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सपोज करो, अगर मैं एक कंडक्टर यहाँ पे लेता हूँ, मैंने फिर से सिंपल रखने के लिए स्फेरिकल कंडक्टर लिया, मेरे को बोला गया भाई यहाँ पे अगर सरफेस, आपने एक कंडक्टर लिया था, तो ये कंडक्टर के लिए अगर देखो, तो मैं ऐसा करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस से किसी एंगल पे अज्यूम कर लेता हूँ। अब अगर आप सरफेस से किसी एंगल पे अज्यूम करते हो, तो श्योरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप सोच सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमने जैसे एक्स और वाई बनते थे। तो वन कंपोनेंट इज अलोंग नॉर्मल एंड सेकेंड कंपोनेंट इज अलोंग टेंजेंट। जो भी आपकी स्फेरिकल सर्फेस आ रही है उसके टेंजेंट आ गई। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास सिंपल अगर मैं बात करूं तो ई टी अगर होगा, यस सर, तो जो सरफेस पे चार्ज होगा उस पे कुछ फोर्स आएगा। सो सरफेस के अलोंग जो फोर्स आएगा उससे सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या चार्ज का मूवमेंट होगा? यस सर, फोर्सेज हैं, तो श्योरली यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आना चाहिए। तो फ्री चार्ज जो सरफेस पे होगा वो फोर्स फील करेगा, मूव करेगा, फोर्स फील करेगा, मूव करेगा, तो पक्की बात है सर मोशन आएगा। जबकि इक्विलिब्रियम बोल रहे हो, तो सर अब उल्टा पढ़ो कि सर टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा तो चार्ज, टेंशियल चार्ज मूवमेंट आएगा। मेरा कहना है कि सर इक्विलिब्रियम में चार्ज मूवमेंट नहीं है, चार्ज मूवमेंट नहीं है। अब उल्टा पढ़ो, अगर चार्ज मूवमेंट नहीं है तो टेंशियल मूवमेंट खत्म, टेंशियल मूवमेंट खत्म, तो ई टी जीरो, ई टी जीरो होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सर अगर टेंशियल कंपोनेंट होगा तो श्योरली टेंशियल कंपोनेंट होगा तो आपका चार्ज मूव करेगा सरफेस पे। वो कहते हैं सर इक्विलिब्रियम में टेंशियल मूवमेंट नहीं होगा, टेंशियल मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट जीरो। अब एक बात पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वेक्टर फॉर्म में लिखो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग नॉर्मल कंपोनेंट आता है और एक अलोंग टेंजेंट। तो वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में ईटी तो जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड श्योरली किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग नॉर्मल ही आएगा ना। तो एक बात पक्की है कि अगर आप किसी भी चार्ज कंडक्टर की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही आना चाहिए। ओके, क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी, मैं मान गया, लेकिन क्या सर हमें इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा? यस सर, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस के पास वाले पॉइंट पे हमेशा कितना होता है? तो सिंपल सा आंसर, पहली बात तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यू आर डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन, हमेशा अलोंग नॉर्मल आएगा, एन कैप इज अलोंग नॉर्मल। क्लियर। तो बात आती है सर क्या हम यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन एन कैप को प्रूव कर सकते हैं? तो आप बच्चे कोई भी कंडक्टर ले लो, देखो एक बार सिंपल सा, कोई भी कंडक्टर लोगे आप यहाँ पर, देख चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन एन कैप आता है, इसका डेरिवेशन हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद करेंगे, ठीक है। पर एक बात पक्की, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये बात हमने कहाँ कहाँ यूज़ करी है, अगर आप ध्यान से देखना, तो मैंने बहुत पहले आपको एक डायग्राम बनाया था, इस तरीके से आप एक कंडक्टिंग सरफेस लेते थे, ये कंडक्टिंग बॉडी, इसके पास में थोड़ी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखिए आप, ठीक। सबको पता है ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा,
ये सरफेस को नेगेटिवली चार्ज बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, और दूसरी सरफेस कैसी हो जाएगी आपकी, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव के चलते पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा कैसी बनेंगी, सीधा सा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी। आप फील्ड लाइन्स बना सकते हो, नंबर का कोई मीनिंग नहीं है, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। आपने सब फील्ड लाइन्स यहाँ पे बना दी, फील्ड लाइन्स पॉइंट चार्ज के पास तो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ही होंगे, पर ये फील्ड लाइन्स किधर जाती हैं सर, आपने बताया था टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये नेगेटिव की सर्च में जाती थी, पर नेगेटिव तो यहाँ बैठा है, तो फील्ड लाइन्स यहाँ से ही आपकी बेंड होनी शुरू हो जाएंगी। और सर जब ये मेटल को, कंडक्टर को अप्रोच करेंगे तो कंपल्सरी ये लाइन्स आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। ओके हाँ, इस साइड प्लस से लाइन स्टार्ट होंगी, तो जो लाइन्स आपकी कंडक्टर के बाहर आएंगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट अलाउड नहीं है, अगर टेंजेंशियल होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सरफेस पे और सरफेस करंट होती नहीं है। ये बात आपने यहाँ पे नहीं, अगर आप चाहो तो ऐसे आप एक कंडक्टिंग बॉडी एक और ले लो भाई, यहाँ पे देखिए आपने अच्छे से एक ये बना दिया, ठीक। ये आप एक बार अच्छे से शेल ये कंडक्टिंग बॉडी बनाइए, ये आप कैसे कंडक्टिंग बॉडी आई बेटा, पक्का। अब मैं इसके सामने अगर एक प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ तो क्या इसकी फील्ड लाइन्स होंगी? यस, वही पुरानी बात, प्लस लाइन्स आएंगे। लेकिन एक बात समझो, ये लाइन सब दो चीज़ें फॉलो करनी है, पहली बात तो पेनिट्रेट करके अंदर ना जाए, और जब ये सरफेस को अप्रोच करें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होना चाहिए, अलोंग नॉर्मल होना चाहिए। और इन लाइन का प्लस माइनस क्लियर है, यहाँ माइनस आ रहा होगा और इस साइड अगर प्लस होगा तो फील्ड लाइन्स देखो कैसे होंगे। अगर ये सेंटर है तो फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करो तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सेंटर से पास करें, क्योंकि स्फीयर के लिए नॉर्मल सेंटर से ही आएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर है डिस्कशन? तो पॉइंट सिंपल सा, एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप होती है, मैंने मैग्नीट्यूड अभी डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। और अगर आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओके।